बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र में 17 अगस्त को एक अज्ञात शव मिला था। नरसेना पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। अज्ञात शव की पहचान जयपाल पुत्र ब्रजपाल निवासी दुमलिया अस्तौली थाना परौर जनपद शाहजहांपुर के रूप में हुई। आपको बता दें कि यह ब्लाइंड मर्डर अवैध संबंधों में बाधा बनने पर हुआ था। मृतक युवक अपनी प्रेमिका के साथ गाजियाबाद के साहिबबाज क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। किसी कारणवश दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था, जिसका फायदा इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी दिनेश निवासी जहांगीरबाद जनपद बुलंदशहर ने उठाया। आरोपी दिनेश ठाकुर ने उक्त महिला से अवैध संबंध बना लिए और आरोपी दिनेश ने अपने दो साथी भांजे और भतीजे के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। चारों आरोपी धोखे से मृतक युवक को साहिबबाद से थाना नरसेना क्षेत्र के गाँव पाली आनंदगढ़ी लाए और बलकटी से गला रेत कर हत्या कर मौके से फरार हो गए। थाना नरसेना पुलिस ने इस ब्लाइंड हत्याकांड का खुलासा कर अभियुक्तों के पास से मृतक का आधार कार्ड और आला कत्ल बलकटी भी बरामद की। थाना नरसेना पुलिस ने मृतक की प्रेमिका और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अन्य दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया जा रहा है। आरोपी दिनेश ठाकुर एक शातिर किस्म का अपराधी है। इस पर पूर्व से भी दो हत्या के मुकदमे थाना गुलावठी और कोतवाली हापुड़ में दर्ज है। दिनेश ठाकुर के भांजे का ससुराल थाना नरसेना क्षेत्र में है और भांजे के ससुराल वालों से संबंध ठीक नहीं है। इसी कारण इन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम इसी गांव में दिया ताकि ससुराल वालों को फंसाया जा सके। बाइट संतोष कुमार सिंह SSP बुलंदशहर।